और दोस्तों ये जो नज़ारा है वो महादेव घाट का है और काफ़ी जाम है, और इस जाम को निकलते हमें आधा से पौन घंटा लग गया और रात्रि के अभी 10:30 बजे हुए हैं। तो ये देखिए, तो श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, और मैं आया हूँ कथा पंडाल व्यासपीठ, और आज है छठवां दिवस रात्रिकालीन और बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु लोग पहुँचे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं अंदर का नज़ारा कैसा है, क्या है, बने रहे। श्री शिवाय नमस्ते। क्या तो दोस्तों, आज है रात्रि का छठवां दिन और बहुत ही ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, क्योंकि ये कमलेश्वर की धरती एक और इतिहास रचने वाला है और बहुत ही ज़्यादा कैमल भी है। देखिए, इतनी रास्ता नहीं है ना, और कैमल कैमल की सवारी कर रहे हैं। और क्या, अच्छा ये सब सुन रहे हैं, काफ़ी दिला है कैमल भी कैमल है। और दोस्तों, लोगों को जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ अपना बोरिया बिस्तर बिछा रहे हैं रात्रि विश्राम के लिए, क्योंकि आज है छठवां दिवस रात्रिकालीन और कल लास्ट है, सातवां दिन है, और गुरुदेव की कथा जो है सुबह 8 बजे से प्रारंभ है। इस वजह से यहाँ लाखों की संख्या, मतलब 4 से 5 लाख की संख्या होगी इस कथा पंडाल में। रात्रि लास्ट, और भीड़ इतनी ज़्यादा है कि चलते भी नहीं बन रहा है, और जो चल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, ये देखिए। और अभी पूरा तीनों डोम फुल हो चुका है, हाउसफुल हो चुका है, और लोगों को जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ अपना बोरिया बिस्तर बिछा रहे हैं और रात में विश्राम के लिए अति ज़्यादा भीड़ है। और छत्तीसगढ़ में जितना भी शिव कथा महापुराण हुआ है उससे ज़्यादा सर्वाधिक अमलेश्वर समर्पण शिव कथा में भीड़ है, और एक ऐतिहासिक भीड़ है दोस्तों, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा। और इतने उमस गर्मी में भी श्रद्धालु लोग यहाँ पहुँचे हैं कथा सुनने, फैमिली समेत, और पूरा बोरिया बिस्तर लेके। और तीनों डोम पूरे हाउसफुल हो चुके हैं और पूरा भजन कीर्तन चल रहा है श्रद्धालुओं का, ऐसा कोई कोना नहीं बचा डोम पंडाल का जहां जगह खाली हो, पूरा हाउसफुल हो चुका है। तकरीबन 2-4-6 लाख व्यक्ति तो होंगे ही इस अभी छठवां दिवस रात्रिकालीन में। और दिन का टेम्परेचर तो 46 डिग्री पहुंचा है हमारे रायपुर शहर में, और काफ़ी ज़्यादा उमस, लू के थपेड़े, मतलब एक बोला जाए वेव, हीट वेव चल रहा है, और अभी भी उमस गर्म हवा चल रहा है। तो दोस्तों, भीड़ अधिक होने की वजह से व्यासपीठ तो नज़र ही नहीं आ रहा था, इतनी ज़्यादा श्रद्धालुओं की उपस्थिति थी कि पूछिए मत, और पूरा भजन कीर्तन चल रहा था पंडाल में। Thank you.
50 में 6 कप 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 50 में 6 कप